जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से सख्त इस्तेमाल किए गए हैं कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने वालों के लिए, और उसके बाद जो जिनको फरोख की जाती हैं इस हवाले से भी चेक रखा गया है कि वो कुर्बानी की खालें किनको फरोख की जा रही हैं, कौन लोग हैं उनको खरीदेंगे, इस हवाले से भी हुकूमत की तरफ से इजाजतनामे जारी किए गए हैं। जिस भी इजाजतनामे जारी किए गए हैं उनके लिए तरीकाकार भी जारी किया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर पाबंद होगी कि वो जो खाले खरीद रहे हैं उसका हिसाब रखेंगे कि उन्होंने ये खाले किससे खरीदी हैं, और इस हवाले से वो जिलाई इंतजामिया को उसका मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड फराहम करेंगे। और इस दौरान जब वो खाले खरीद रहे होंगे तो उन खालों को ना तो वो खुली जगह पर रखेंगे और ना ही सड़क किनारे रखेंगे, उसके इलाज की ट्रैफिक ब्लॉक हो, उससे मसला पैदा हो ट्रैफिक का, या फिर इस तरह से कि उससे माहौलियात का कोई मसला पैदा हो, इस हवाले से उनको एहतियात करनी पड़ेगी। खुली सड़क पर या किसी खुली जगह पर उन्हें इकट्ठे स्टोर नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से जो भी कानून जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया उसकी पाबंदी उन पर लाजमी करा दी गई है। खाले खरीदने के लिए किसी को भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफवर्जी की सूरत में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जी मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आप।